मुझे ये सही रास्ता लगा, मैंने ऑलरेडी स्टडी किया, 3-4 कंपनी ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, तो मैंने सही स्टडी किया 3-4 कंपनी का, तो मुझे इसमें से जो उसका निचोड़ आता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो मुझे यही कंपनी मुझे अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन सही में जब मेरे पापा का मैंने रिजल्ट लिया, मेरे पापा को प्रॉब्लम था, तो 10 साल से प्रॉब्लम था, नहीं सॉल्व हो पा रहा था, तो उसका जो जब रिजल्ट मिला तब मेरी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई आर्ट लाइफ के साथ, और फिर मैं एक कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जॉब कर रहा था, मेरी सैलरी भी तकरीबन 18,000 थी, लेकिन अब इस कंपनी में फुल टाइम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और लोगों का ब्लेसिंग मिलता है। Вообще-ка, я когда искал себе компанию, да, я искал хороший продукт там компания. А как раз тогда я когда искал, 2-3 компании, короче, я слышал, но Art Life из них одна была. Но это не поэтому я говорю, что сейчас я в этой компании работаю, поэтому продукт отличный. У меня отцу я хороший результат получил, потом я с этой компанией начал. Я понял. А что тебя мотивирует вообще в бизнесе ставить цели, достигать новых результатов? Зачем ты движешься? Что тобой движет? То вы бол рахе, генерали, апко кя чиз мотивейт карти е? Из бизнес ке андар таргет сет карне ме, апко аге бадне ме кя чиз ор мадад карти е? Кя апко мотивейт карта е? Муже е чиз мотивейт карти е, ки муже earning то хоти е, песа ата е, no problem. Ор мера vision би clear хо гае из компани ме акар. लेकिन जो चीज़ मुझे जो मोटिवेशन करती है वो पैसा तो है ही है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद ब्लेसिंग मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। नो इस तो मैंने बोल चुका मतिविरुद्ध नो या वैसे कंपनी रबोते हुए देंगे सिर्फ अपना पलुचा है नो देंगे ते ता अदनो वेश नो कदा लूदी मैंने पसीबा गवारिया ये गवार इस तो अन इस दरो पपरावली से ता मैंने सामयिक लावना वो तेता मैंने मतिविरुद्ध इस तो दलश द्विगत अपने लाइफ में आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ड्रीम करते हैं सबसे बिगेस्ट ड्रीम इन योर लाइफ अभी जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ती जाती है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरा ड्रीम में क्लियर करता जाता हूँ बेसिकली मेरे पास पहले जब मैं पढ़ता था तब बाइक भी नहीं थी तो पहले जस्ट मैंने बाइक खरीदी मैं जो ड्रीम जो सेट कर रहा हूँ मेरी लाइफ का वो अचीवमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं अचीव करता हूँ जैसे बाइक मैंने ली बाइक के बाद मैंने ड्रीम सेट किया 4-व्हीलर का वो भी ऑलरेडी मैंने ले लिया है वो भी मैंने ड्रीम सेट करके मेरा जो गोल था वो मैंने अचीव किया उसके बाद मेरा ड्रीम था मेरा पापा का सपना था कि भाई एक बहुत अच्छा मकान तू ले ले तो ये भी ड्रीम मैंने अचीव किया है अभी 80 लाख का मैंने ऑलरेडी मकान लिया है भरूच में और वो भी कंपनी आर्ट लाइफ की बदौलत है कि मुझे इतना प्रमोशन मिला इतना मेरा जो ड्रीम था वो फुलफिल करने में मुझे बहुत सपोर्ट ну, вообще, как, переведи просто на камеру, да. Вообще, мои мечты это как разные, как я сил достигаю. Так и у меня мечты повышаются. Примерно, когда я студент был, я хотел мотоцикл получил, потом я начал работать, дом получил, потом, короче, у меня еще мечта, короче, еще большая стала, что я хочу большой дом. Но за 80 лакh я скоро, вот недавно дом покупал, это за Art Life. Ну вот так, короче, я мечты переставляю. И машину благодаря работе в Art Life буквально через полгода купил. Чего? Машину купил. Говорю, благодаря тому, что работал в Art Life, через полгода ты вроде бы машину... Апне Art Life में काम करने के 6 महीने बाद я think, что апне гаڑی खरीद ली थी. बिल्कुल. Да. То есть ты, наверное, один из первых лидеров, кто купил себе новый автомобиль, придя в Art Life. То बोल रहे आप उन पहले लीडरों में से एक हैं जिन्होंने Art Life में आने के बाद सबसे पहले गाड़ी खरीदी. बिल्कुल और वो भी नई ब्रांड और मुझे जो चाहिए थी लंबी कार वही मैंने ली. Ангайда это новая машина и которая длинная машина, которую хотел, да, такой я купил. Я еще помню, когда он приехал на этой машине на семинар, она еще вся в целлофановом пакете внутри. वो बोल रहे मुझे याद है कि जब आप सेमिनार में आए थे उस गाड़ी से तो सारे अंदर डब्बे रखे हुए थे उसके अंदर सर купил себе новую машину, да? А, sorry, पूरा पैकिंग था उसका पैकिंग में थी गाड़ी और आपने आके बताया सर मैंने नई गाड़ी खरीद ली है Четан, что пожелаешь вот новым людям, кто сегодня изучает проект компании Art Life, в чем-то может сомневается, что ты им скажешь, вот, кто, возможно, смотрит нашу сегодня с тобой наш диалог? Ну, пусть идет, да. То, вы бол рахе, генерали, ап нае лого ко, ап क्या रिकमेंड करना चाहेंगे क्या विश करना चाहेंगे जो अभी हमारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली मैं नए लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि जो चेतन पाटनवाड़िया कर सकता है
जो ऐसी फैमिली से है जो उनके लिए कोई भी चीज पॉसिबल नहीं थी, वो कुछ भी हासिल करने के लिए उनके पास कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन जो अभी ड्रीम में देख रहा हूँ कंपनी आर्ट लाइफ में आकर, तो ये मैं कर सकता हूँ तो सब कोई कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस लेवल पे था और कि अभी कौन से लेवल पे हूँ। जो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑन गवर्नमेंट तो примерно я здесь что достиг читан патанвади это любой человек может, потому что я себе знаю и знал, что я с какой семьи, я вообще у меня ничего не было. Если я достиг успех с этого компании, любой человек может достигать. Спасибо тебе большое. Thanks a lot, Chetanji. Как всегда рад тебя видеть. अच्छा लगा आपसे मिलकर. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. Надеюсь, для кого-то это видео будет очень важно. हो सकता है किसी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Ну, в крайнем случае останется для нас в память, что мы с тобой когда-то вот вели такой диалог. सबसे आखिरी कंडीशन में ये हमारे लिए एक मेमोरी बन के रह जाएगी कि हाँ हमारे लिए एक मेमोरी है, हमने आपके साथ एक डायलॉग किया था। बिल्कुल ओके, धन्यवाद।